पीछे आप देख सकते हैं कि लड़के बहुत गुस्से में, 338 रन का टारगेट मिल गया पाकिस्तान को। आए चलते हैं लड़कों के पास, क्योंकि नौजवान का गेम है और नौजवान ही इसमें बात करेगा। यहाँ पे लड़के जो है इतना पागल हो रहे हैं क्रिकेट के पीछे कि अपना घर छोड़कर आए हुए। वहाँ पे सलमान अली आगा इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं अपनी फैमिली के लिए साड़ियाँ ले रहा हूँ। सलमान आगा को ना खुदा की कसम कोई जमादार ना रखे, उसको क्रिकेटर रखा हुआ है। ये साड़ियाँ पहना के इनको वापस बुलाओ, क्रिकेट इनके बस की बात नहीं है। साड़ियाँ इनको पहनाओ, बीवियों को नहीं, इनको खुद को पहनाओ। मेरे दिल पे नहीं, 22-25 करोड़ आवाम पे दिल पे गुजर रही है भाई। इंडिया हम पे थू थू कर रहा है, अफगानिस्तान से हम नीचे आ जाएंगे हाँ ये मैच जीतने के बाद। अबे यार हमारी यही औकात है यार, हम नहीं खेल सकते हैं। इनको मैंने पहले ही बोला था ये टीम आगे नहीं जा सकती है। ये जब सिफारिश की जाए ना दोस्ती यारी, किसी बंदे का हक खाओ ना बाबर आजम, इसी तरह जलील होता रहेगा ये बगैर आदमी। एक बंदे पे मैच नहीं चलता, पूरी टीम खेलेगी तो। टीम 11 लड़के और उनकी 24 टांगे, एक बंदा क्या करेगा? वो तो अपना कर सकते हैं, दूसरों का थोड़ी कर सकते हैं। एक बंदा अगर नहीं कर सकता तो मैक्सवेल ने एक ही टांग से भी पूरे टीम को जितवा दिया था। एक मैक्सवेल की एक टांग, असल में बात ये हिलती रही है। अब जैसे इन लड़कों का दिल दुखा हुआ है, आपका भी दुखा हुआ है? बिल्कुल दुखा हुआ है। ऐसी बात है, पाकिस्तान जो है वो सब प्रेडिक्ट करते वर्ल्ड कप से पहले के टॉप 4 में जाएगा। बाबर ने कहा था टॉप 4 नहीं, हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर आएंगे। लेके आ रहे हैं ना, अपने लिए साड़ियाँ लेके आ रहे हैं, बर्गर लेके आएंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें लेके आएंगे। हमारे हराम हराम के पैसे हैं, इनको तो बख्शना नहीं चाहिए। हराम यार कैसे कैसे कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरी चीज बताऊं क्या लगी है जी? जो कल ये लड़कों की वीडियो आई है, इफ्तिखार हसन अली नवाज, यार ये कमरे के अंदर डांस कर रहे हैं, लानत है। उनका कुछ नहीं जाता है भाई, आवाम हम क्या बन रहे हैं इनके पीछे। बोलते ना प्रोग्राम बढ़ गया, हमारा तो पाकिस्तान बढ़ गया। चेक करो, एक ही चीज इस मुल्क में अच्छी थी, वो भी नहीं रही। पुराने प्लेयर वीआईपी थे, कहाँ से लाए, मर गए वो लोग। बस उन लोगों ने अपना वक्त गुजार लिया, अभी देख रहे हैं इनके बच्चे, वो भी बोलते हैं खेलने दो, हमारा क्या। जो हमने इंग्लैंड के साथ कर रहा था, इंग्लैंड ने हमारे साथ कर दिया। वही तो बात है ना, हम यही तो बोल रहा हूँ भाई, हमारे कैप्टनसी में पावर होना, कोई दम खम होना। आज आप बोलते हो किंग है, अबे किंग मैक्सवेल है, फखर जमान है, बाकी प्लेयर है। फखर जमान तो चला ही नहीं आज, फखर जमान आज नहीं चल सका, लेकिन उस दिन जो न्यूजीलैंड वाले मैच में फखर जमान ने इनिंग खेली है वो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली है। लेकिन आप जैसी बताते हर प्लेयर का एक दिन होता है, वो हर प्लेयर हर दिन नहीं चल सकता। आज तो कोई चला ही नहीं, ना तुम्हारा रिजवान चला ना शादाब। शुरू में तो पाकिस्तान से बहुत उम्मीदें थी, लोगों से सुना जीतेगा ये वो, अब तो उम्मीद भी नहीं है। इधर सब देखो, आप देखो आवाम बैठा हुआ है, कोई देख ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है सारी यहाँ पे जिंदा लाश बैठी हुई है, वो कोई देख ही नहीं रहा। मैच आप खुद देख रहे हो, सब अपने लूडो खेल रहे, गपशप लगा रहे, मैच कोई देख ही नहीं रहा। इस बॉल पे क्या होने वाला है बताओ? बॉल पे आउट होगा, ये लो हो गया। क्या बोला था? एक तो बाबर हमारी इज्जत कहीं भी नहीं रख रहा, बाबर भी गया। सर यही बोल सकता हूँ, आप घर चले जाए, आपका फायदा है। 22 रन बना के जा रहा है ये बाबर है, ये इसके आसरे पे आप 400 रन बनाओगे भाई। हमारी तरफ से बाबर आजम को थू लानत है। नहीं यार कैसा लग रहा है आपको? नहीं वाकई में जो ना डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है, लेकिन फिर भी कुछ भी हमारे हीरोज हैं आज। और खाली जो है ना बारे नहीं है उस्ताद, हमारे मुल्क को बदनाम करके आए हैं, हमारे किस चीज़ के हीरो हैं? मैं ये कहूँगा कि ठीक है उन्होंने जो है ना वो अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन सारी हार का ब्लेम बाबर आजम में डालना गलत है, क्योंकि बाबर आजम पूरे अकेला परफॉर्म नहीं कर सकता। जो 11 लड़के खेल रहे थे, 11 लड़कों को परफॉर्म करना चाहिए था। एक बाबर आजम जीत का जो है ना वो जिम्मेदार नहीं है, या हार का जिम्मेदार नहीं है। सॉरी अंकल को मैं जवाब देता हूँ, अंकल मुझे बता दे बाबर आजम ने ये वर्ल्ड कप में कौन सा सेंचुरी किया? आदमी है कोई बेगैरत आदमी है, कोई तमीज नहीं है, शर्म नहीं है उसको। सही बोल रहा है, नहीं बाबर बाबर जवाब दे रहा हूँ मैं, अंकल को जवाब ये दे रहा हूँ, बाबर आजम की सेंचुरी कहाँ है? आप बाबर की साइड बहुत ले रहे हो, गलत बात है। आप नेशनल बात करो, बस हेड नहीं लो किसी। यार हमारा कैप्टन है, उसकी इज्जत है कैप्टन की। लड़के क्रिकेट से इतना दिल लगा लेते हैं, एंड में आके ये हाल हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि हमारी मौत भी हो सकती है? मौत इनके चक्कर में, ये लो इनके चक्कर में क्यों मौत होगा? मौत तो अल्लाह के हाथ में, नहीं हो सकता कि क्रिकेट खेलते हुए लुढ़क जाए ये लोग। फिर सलमान भाई इन 11 के 11 पे लानत है, थूकता हूं मैं इन पे। देखो कभी कभी जीतता भी, ऐसे भी नहीं है, कभी कभी नाम रोशन करते, वो भी इंसान है, तुमने क्या फायदा? फट्टा हो जाएगा इधर, अपना चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, फट्टा हो जाएगा इधर। बाबर आजम को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बाबर को इसलिए सपोर्ट करता हूँ, हमारा कप्तान है वो, हमारे घंटे आप कप्तान था रहा खत्म, उस जैसा प्लेयर नहीं रहेगा। ये मैं बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह बाबर आजम कैप्टन नहीं रहेगा। बाबर आजम चाचा को बनाओ कैप्टन, चाचा को। बाबर जैसा प्लेयर हमारे, बाबर जैसा प्लेयर हमारे पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा प्लेयर चाहिए नहीं जो दोस्ती आ रहे हैं, नहीं चाहिए ऐसे ऐसे प्लेयर पैदा होने से हुआ। अगर आपका बेटा बाबर जैसा हुआ गोली मार दूंगा इसको। नहीं नहीं यार ऐसे नहीं होता, जब वो चला जाएगा, जब वो चला जाएगा ना, जब तुम लोगों को कदर होगी बाबर की, ऐसा चाहिए ही नहीं, जाने दो। अफसोस होता है यार, यकीन
हम कुछ और इंजॉयमेंट कर लेंगे, नहीं देखो क्या कर लेंगे, कहीं और चले जाएंगे, मैच वैच देख लेंगे, फुटबॉल देख लेंगे, आपको कहीं घुमाने ले जाएंगे। ये बताएं कि अभी हम वर्ल्ड कप में कैसे जा सकते हैं? अभी हम वर्ल्ड कप में नहीं जा सकते, अभी हम सिर्फ घर आ सकते हैं, क्योंकि अब तो कुछ नहीं है ना, अब तो बस तैयार खड़ी है। अब आप मैच खेलोगे, किट पैक की, सीधा या तो कराची या लाहौर, ताड़ियां पहना के इनको लाहौर एयरपोर्ट में डांस करवाओ। और ये देख रहे हो, ये अंडा इसलिए लेकर आया, अंडा मैं जब भी लेकर आया हूँ, अभी मुझे इतना गुस्सा है, अंडा दे दो वरना आपके मुंह पे पड़ जाएगा। आपको शर्म नहीं आ रही? कैप्टन है वो हमारा, आप ऐसी बात कर रहे हो, खा लोगे मेरे से अंडा, मैं बता रहा हूँ अभी। देखो क्रिकेट में ऐसा होता है, लेकिन क्या आप उसको मारोगे क्या? आप हमें बताओ कि मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इतना सब होने के बाद आप अभी भी सपोर्ट कर रहे हो उनको? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन यार आप उसको मारो नहीं, आप अंडे दुनिया में क्या इज्जत रह जाएगी फिर बाबर? दूसरों को इनको मारे पकड़ के, जो दिल टूटा है उसका क्या? इनसे क्या उम्मीद रखे, पता नहीं क्या करते हैं इनसे तो। अच्छा अभी अफगानिस्तान है, हालांकि सुनने में ये आया था इनका कोच शायद एक ही है। अफगानिस्तान को कहा जाता था कि छोटा भाई है हमारा, अब अफगानिस्तान ऐसा खेल रहा है, समझो बड़े भाई के मुंह पर बैठ के उसने समझो बात मारा है। मेहनत कर रहे ना, असल में मेहनत होगा तो फिर फायदा भी मिलेगा, अल्लाह उसका फल भी देगा। अफसोस हो रहा है, रोना आ रहा है, क्या करे, रोना आ रहा है। इतनी अच्छी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, मुझे अपने करियर का इतना टेंशन नहीं है, करियर का टेंशन नहीं है, इसका टेंशन है। करियर छोड़ दिया बाबर के पीछे, बाबर ने हमें छोड़ दिया। आज मैं पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम देना चाहता हूँ, ये टीम हमारी यहाँ हमारी टीम नहीं, बाबर आजम की चमचिगरी की टीम यहाँ आए ना, इनको अंडो और उनके टमाटरों और हार जूते का हार से ना इनका इस्तकबाल करो। हार गया पाकिस्तान, हार गया। बाबर आजम है, ये बाबर आजम है, इस तरह छोड़ो इनको, इसी तरह मारो बगैरतों को, ये का बच्चा है बाबर आजम। ये देखो ये अंडा क्यों फोड़ दिया आपने भाई, खाने की चीज है, अंडा है खुदा की कसम, इस तो ना जूते मारने के लिए नहीं, गालियां नहीं दो सर, गालियां नहीं तो क्या करे, जो इंग्लैंड सबसे हारती है वो हमसे जीतती है भाई। कह रहे थे कि इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप की बकरी टीम है और हम बकरी से हार रहे हैं, हमारी की टीम ही तो कुत्ती हुई है, क्या बोले, कुछ बोलने के काबिल नहीं, छोड़ा कुछ वर्ड ही नहीं है। मतलब जवानी में ऐसा रोग लग गया है कि सारी जिंदगी नहीं हटेगा। इतना मुझे अपनी मोहब्बत का दुख नहीं था, इतना मैच का हुआ है, मोहब्बत छोड़ जाए खैर थी, पर बाबर ने साथ छोड़ दी। पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान तो आएगी, आप अभी भी सपोर्ट करेंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे लेने? यार इतना तो मैं आज तक अपने रिश्तेदार को भी नहीं लेने गया, इनको क्यों लेने जाऊँ मैं, अब मैं क्या फ़ायदा इनको लेने जाने का, कोई फ़ायदा तो मिलेगा नहीं, जाएंगे तो क्यों जाऊँ मैं, पागल थोड़ी हूँ मैं, बोलो रिश्तेदारों के पास नहीं जाता लेने जब वो आते, ये कि मेरे सगे बाबर को भी लेने भी नहीं जाएंगे? बाबर क्या, बाबर से बड़ा आज है उसको भी लेने नहीं जाएंगे, क्यों जाए, क्या लगता है? क्रिकेटर है ना, कैप्टन है हमारा, अरे हमारा थोड़ी होता कैप्टन, तो खेलना भी अच्छा होता, लीड भी सही करता, कर ही नहीं रहा, क्या फायदा इसके पास? अच्छा खेलता तो जाते, अच्छा खेलता क्यों जाता, जाऊंगा ही नहीं मैं, अच्छा क्यों जाऊं इनके पास।